कि भगवान को पाना है तो भगवान कहाँ मिलेगा। और मैंने आपको यही निवेदन किया कि भगवान हर उस जगह से मिलेगा जहाँ से आप पाना चाहेंगे। केवल चेतन में ही नहीं, केवल जीवित वस्तुओं में ही नहीं, निर्जीव में भी अगर आपका विश्वास है तो प्रभु निर्जीव में भी सजीव रूप से प्रकट हो जाएगा। अगर मैं एकदम एक वाक्य में आपसे कहूं कि आपका विश्वास ही आपका भगवान है तो शायद गलत नहीं होगा। प्रहलाद जी का विश्वास था कि खंभे के भीतर भगवान है, वहां पर उनका विश्वास था। और जहां पर हिरण्यकश्यप ने कहा कहां है भगवान तेरा, प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है, बोला क्या इस खंभे में, बोला बिल्कुल है। और जब भक्त का विश्वास पक्का हो जाता है तो भगवान उसी जगह उसी स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। एक बड़ी समस्या है आज की जनरेशन में, क्या है, हम बहुत सोचते हैं, उसमें तर्क वितर्क। कई बार जब मैं लाइव आती हूँ ना तो एक क्वेश्चन लोग करते हैं, अगर भगवान एक है तो इतने सारे रूप क्यों लिए। एक बात बताइए, कुआं एक होता है कि कई होता है? गांव में अगर होता है एक होगा या दो होगा कुआं? कुएं के भीतर पानी कितने तरह का होता है, बोलिए, एक तरह का। लेकिन जो गांव वाले हैं वो एक हैं कि अनेक हैं? जितने गांव वाले हैं उनके पास जो बर्तन हैं वो एक तरह के हैं कि अलग अलग हैं? जरूरी है आपके पास बाल्टी हो तो मेरे पास हो, मेरे पास नहीं है मैं क्या पता ग्लास लेके पहुंचू। जरूरी नहीं सबके पास बहुत बड़ा मटका हो, बहुत बड़ी पानी की कोई चीज हो ग्रहण करने की। जिसके पास जो पात्र होता है वो वही पात्र लेकर कुएं के पास जाता है। पर कुआं क्या करता है, इसका उत्तर कबीर दास जी देते हैं। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक। कबीरा कुआं एक, पनिहारी है अनेक। बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। बर्तन सब न्यारे हैं पर पानी सब में। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक। पनिहारी का मतलब पानी भरने वाले। बर्तन सबके न्यारे हैं, किसी के पास मटका है, गगरी है, कोई बाल्टी है, कोई टंकी है, कोई ग्लास है, कोई लोटा है। लेकिन जब वो उस कुएं के भीतर से पानी निकालते हैं तो जिसका बड़ा जितना पात्र होता है उसके पात्र के अनुसार वो कुआं उसके भीतर जल भरता है। पर बर्तन अलग हैं, लेने वाले अलग हैं, पर सबके भीतर भरा जाने वाला पानी एक होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान एक हैं, लेकिन हम और आप जब जिस रूप में भगवान को पाना चाहते हैं भगवान हमारी भावना के अनुकूल हो करके हमें दर्शन देते हैं। कारण सिर्फ इतना है, प्रेम बने प्रेम के वश वो राम बने। जब जब जिसने पुकारा उसके भाव के अनुकूल भगवान स्वरूप लेकर, और कोई दूसरा कारण नहीं। जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है, भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, वो मझधार में
मिलेगा तट पर किसी को राही। वो मझधार में मिलेगा, पाना है गए प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गए प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गए प्रभु को। भगवान कहाँ कहाँ है, हर उस जगह। अरे फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, कलरों में पक्षियों के देखो चहक रहा है, पक्षियों की देखो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, वो हर डाल में मिलेगा, के पास ढूंढो तो हर डाल में मिलेगा, पाना है गए प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गए प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गए प्रभु तो प्यार में मिलेगा, पाना है गरे प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। अरे कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, वो संसार में मिलेगा, कण कण में ढूंढो पूरे, आज संसार में मिलेगा, पाना है गए प्रभु को, पाना है गए प्रभु को, पाना है गए प्रभु को, वो प्यार में मिलेगा, कण कण में ढूंढो पूरे, वो संसार में मिलेगा, पाना है गए प्रभु को। केवल और केवल आपके भीतर का प्रेम ही ऐसा है जो भगवान को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है।